नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था। तो आइए जानते हैं। गोकुलवासी श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में जाने जाते हैं, लेकिन इनका एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव ने उनका वध किया था। स्वर्ग के विशेष भाग गौलोक में सुदामा और विराजा निवास करते थे। विराजा को श्री कृष्ण से प्रेम था, किंतु सुदामा विराजा को प्रेम करने लगे थे। एक बार जब विराजा और श्री कृष्ण प्रेम में लीन थे, तब राधा जी वहां प्रकट हो गई और उन्होंने विराजा को गौलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दिया। इसके बाद किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी श्राप दे दिया, जिससे उन्हें गौलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के बाद सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूड के रूप में हुआ तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ। माँ तुलसी से विवाह के पश्चात शंखचूड उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। कहा जाता है कि शंखचूड को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उन्होंने शंखचूड की रक्षा के लिए उन्हें एक कवच भी दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी, तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। और इसी कारण शंखचूड कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूड के अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव से सलाह लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए भगवान शिव ने शंखचूड को मारकर उसके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। शंखचूड पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उन्हें मारना काफी कठिन था, तो अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड के सामने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को सौंप दिया। तत्पश्चात वे शंखचूड के कवच को पहनकर उस अवतार में माँ तुलसी के समक्ष उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी उन्हें अपना पति मान बैठी और उनका आदर सत्कार किया, जिस कारण माँ तुलसी का पतिव्रत खंडित हो गया। शंखचूड की शक्ति उनकी पत्नी के पतिव्रत पर स्थित थी, किंतु इस घटना के पश्चात वह शक्ति निष्प्रभावी हो गई। वरदान की शक्ति के समाप्त होते ही भगवान शिव ने शंखचूड का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। तो दोस्तों, इस प्रकार सुदामा के पुनर्जन्म के रूप में शंखचूड का विनाश भगवान शिव के हाथों संपन्न हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।